हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी कूल इन एनी सिचुएशन, हाउ टू बी कूल इन ऑल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल ए सिचुएशन। दोस्तों, अभी जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है, राइट, हमारे जो कई दोस्त हैं जो कोई छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम में टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट। तो इन सिचुएशन को, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह हैंडल करना है वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन करके हैं। यह एड्रेनलिन हार्मोन का काम है, जब भी आप कोई इमरजेंसी आती है, जब भी हमारे साथ कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां सिर्फ दो ही ऑप्शन दिया जाता है, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, राइट। तो ये जो एड्रेनलिन वाला सिचुएशन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी छोटी सी बात हो इमरजेंसी, एड्रेनलिन के पास चले जाते हैं, छोटे छोटे सिचुएशन को एड्रेनलिन को सौंप देते हैं और रैप ऑप्शन रह जाता दो, और उस ऑप्शन में भी ज्यादातर लोग फ्लाइट वाला सिचुएशन सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और वो सरेंडर उनका डिसीजन कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है, राइट। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टिप्स सजेस्ट करेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट सजेशंस देंगे, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, आपकी जो थिंकिंग प्रक्रिया है उसमें चेंज आएगा, आपका जो विचारधारणा है वो चेंजेस लाएगा, और आपको मदद करेगा किस तरह इन प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशन को हैंडल करें, राइट। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी, राइट। हर बार की तरह एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक महिला अपने बच्चे के साथ रहती थी। नाउ, आपने कुत्ता पालते हुए देखा होगा, बिल्ली पालते हुए देखा होगा, लेकिन ये महिला नेवला पाल रही थी, राइट। ये नेवला जब छोटा था तब ये महिला को मिला था, और तब से इनके साथ है और एक फैमिली मेंबर की तरह हो गया था। एक दिन महिला बच्चे को और नेवले को घर पे छोड़ के पानी भरने गई, राइट। और बच्चा खेल रहा था, नेवला वहीं कहीं था। नेवले ने अचानक देखा एक सांप बच्चे की तरफ आ रहा है। नेवले ने उस सांप के साथ लड़ाई किया और काफी लड़ाई के बाद उस सांप को उसने मार दिया। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने बच्चे को बचा लिया। वो बाहर आके खड़ा हो गया आंगन में, ये सोच के कि मालकिन आएगी और खुश हो जाएगी, राइट, कि हमने बच्चे को बचा लिया। दूर से मालकिन आते हुए देखे नेवला बहुत खुश था। मालकिन पास में आई, आके उसने देखा कि नेवला बाहर खड़ा है आंगन में और उसके मुंह पे खून खून सा है। मालकिन डर गई, वो महिला डर गई कि उसके बच्चे का खून होगा, और तुरंत उसके घड़े से उसके सर पे मार दिया और नेवला वहीं मर गया। और रोते हुए चिल्लाते हुए अंदर गई, अंदर जाके उसने देखा कि बच्चा अभी भी खेल रहा है और बच्चे के बाजू में एक लंबा सा सांप मरा पड़ा हुआ है। महिला को रोना आया, महिला अब अपने किए पे पछता रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नेवला फिर से नहीं मिल सकता है। उनका ये एक मिनट का, एक पल का जो डिसीशन है, जो एड्रेनलिन वाला सिचुएशन है, वो उन्हें बहुत महंगा पड़ा, उन्हें अब एक ऐसा रक्षक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही है, हमें हर सिचुएशन में थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है। आज यही सिचुएशन, हमारी हालात ऐसी हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे चीटिंग हो रहे हैं, ये पेटीएम और ATM कार्ड, इस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो आप सतर्क रहिए, यहाँ तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किए, लेकिन अगर आपके साथ ये हो जाता है तो अब उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। डिप्रेस हो जाने से, स्ट्रेस में आ जाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। आप ये मत भूलिए, ये जिंदगी के किताब का सिर्फ दो लाइन है,
एक पन्ना भी नहीं है, ये दो लाइन आपका किताब नहीं बनाता है, हमें जिंदगी जीना है। जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। ओके, और यही बात मैं कहूँगा आजकल के बच्चों के, बच्चे भी बहुत ही सेंसिटिव हैं। अभी पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं तुरंत ले लेते हैं मन से, पेरेंट्स कुछ डांटते हैं तुरंत उनको लग जाता है, या तो कोई एक्शन ले लेते हैं, या तो कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं, घर छोड़ने का, सुसाइड करने का, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मार्क्स नहीं आए तुरंत कुछ डिसीजन ले लो, ये एड्रेनलिन वाला जो सिचुएशन है बहुत ही महंगा पड़ता है हमें। आप एक मिनट में जो गलत डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एक लंबा नुकसान है, एक बड़ा लॉस है, जरा सोचिए, राइट। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे टिप्स देंगे, आज हम सब लोग मिलके एक ऐसे सजेशन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो अगर हम राइट मैं भी अगर हम फॉलो करें तो शायद हमारी जो सोच है, शायद हमारे जो विचारने की जो पद्धति है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें शायद चेंज आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। टुडे आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू फाइव टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। यू माइट बी सरप्राइज, आई विल सजेस्ट राइट फाइव टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, एंड इफ आई एश्योर दैट इफ यू कैन फॉलो एनी टू ऑफ देम ऑल्सो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अ बिग चेंज इन योर थॉट प्रोसेस, अ बिग चेंज विल बी देयर इन योर लाइफ। ओके, तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। तो हमारा पहला मेडिटेशन है योग, योगा, राइट। ये योगा जो है ये हमारा कल्चर का एक भाग है। योगा जो है एक कुछ ऐसी चीज सिखाता है, ऐसा एनर्जी पैदा करता है जो हमारे में रिएक्ट करने का एक तरीका सिखाता है, राइट। आप कोई भी योगी को ले लीजिए जो योगा अच्छी तरह करता है, जो योगा को फॉलो करता है, कोई भी योगी को ले लीजिए, एक तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होगा, दूसरा वो कभी भी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे, दे विल टेक ए पॉज बिफोर रिप्लाइंग टू यू, राइट। दिस इज दैट पिक्योलरिटी, दिस इज दैट पर्सनालिटी। हाँ, तो दोस्तों ये योगा से क्या फायदा है, योगा जो फर्स्ट मेडिटेशन मैंने कहा उससे क्या होता है मैं बताता हूँ। योग इज ए टीचिंग हाउ टू ब्रीथ। ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग इज अवर एनर्जी। हम जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन इंटेक को जब हम फील करने लगते हैं, वी रिसीव द एनर्जी, आवर बॉडी एब्सॉर्ब्स द फुल एनर्जी, एंड एनर्जी हेल्प्स अस आवर माइंड एंड हार्ट टू थिंक प्रॉपरली, थिंक इन ए रिलैक्स मैनर। दिस इज हाउ योगा हेल्प्स, राइट। अब हम जाते हैं हमारे सेकेंड मेडिटेशन में। हमारा सेकेंड मेडिटेशन है प्रेयर मेडिटेशन। दोस्तों अगर आपने हमारे एंशियंट टाइम में देखा हो तो राइट, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर, चर्चिस जो बोलते हैं, राइट, ये सारे अगर देखो तो गांव के पादर में होता है, गांव के बॉर्डर में होता है, लेकिन छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़ा और विशाल मंदिर मस्जिद होता है। क्यों? आज अगर आप देखो गली गली में चौराहे पर छोटे मंदिर मस्जिद बांधे जाते हैं, वो नहीं, मंदिर बांधने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। वहाँ भगवान तो रहते ही हैं, भगवान के साथ साथ हमारे मन के साथ बात करने का एक स्थान है वो। मैं आपको बताता हूँ मंदिर एक प्रेयर मेडिटेशन कैसा है। इंसान दो टाइम पे मंदिर जाता है, एक सुबह सुबह और एक शाम को। सुबह वो इसलिए जाता है कि उसे एक नया दिन मिला है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड करने के लिए, एक थैंक्स बनने के लिए। शाम को आप देखें दिन भर के जो प्रॉब्लम्स हैं, दिन भर के जो हार्डवर्किंग है, दिन भर के जो सिचुएशंस को वो हैंडल करते हुए, वो फिर शाम को थका हुआ इंसान राइट मंदिर जाता है। मंदिर जाके वो किसी पिल्लर पे जाके सपोर्ट करके बैठता है, और ये जो बैठते हैं ना, ये जो बैठते हैं, जो रियलाइजेशन करते हैं, उनके ब्रेन और माइंड, उनका माइंड और उनके हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दिस इज वॉट आई कॉल प्रेयर मेडिटेशन। जब भी आप मंदिर जाओ, दो मिनट वहाँ बैठिए, बैठे बिना मंदिर से मत आओ, राइट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, मंदिर कोई मीटिंग नहीं, मंदिर कोई ऑफिस नहीं कि जाके अपने प्रेजेंट पर आके आ गए, गो एंड सिट, सिट फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, लेट योर थॉट्स कीप ऑन रनिंग,
But let your thoughts come to your mind and you will get with some nice solutions, some very helpful solutions. Okay. So, दोस्तों, हमारा जो तीसरा meditation है, वो है food meditation. Food meditation आपको शायद surprising लगता होगा. हाँ दोस्तों, food is also another form of energy. ये जो पांचों पांच हमारे जो meditations हैं, वो आपके शरीर को एनर्जी देता है, वो आपके माइंड को एनर्जी देता है, वो आपके हार्ट को एनर्जी देता है, और हमारा फूड भी, इट इज़ अ वन सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड जो है न्यूट्रिशन देता है. न्यूट्रिशन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वी गेट एनर्जेटिक, राइट? आवर ब्रेन, आवर माइंड, आवर हार्ट, एवरीथिंग गेट्स एनर्जेटिक एंड वी स्टार्ट फीलिंग न्यू, वी विल रिजुवेनेट. ओके दोस्तों, हाउ? अब ये जब हम खाना खाते हैं, खाना देखे हड़बड़ाहट में कभी मत खाइए. ऑफिस जाना है, स्कूल भागना है, मैंने लंच बॉक्स खोला, दो मिनट में खाया, यहाँ गया वहाँ गया, ये नहीं. बहुत दोस्त बाहर खड़े हैं, क्रिकेट खेलना है, मैच है, राइट, मुझे बहुत खड़े खड़े खाना, ये सब गलत है. ये गलत तरीका है खाना खाने का. खाने को एंजॉय करके खाइए, राइट? अब ये किस तरह है, मैं आज सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठा होकर साथ में मिलकर खाना खाने की एक आदत डालिए, राइट? इससे क्या होता है, खाने को एक आनंद मिलता है, खाने के साथ एक हैप्पीनेस जुड़ता है, और इस तरह ये फूड जो है हमारे शरीर में पूरी रीत से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और ये एनर्जी में फॉर्म हो जाता है. तो दोस्तों, ये था हमारा फूड मेडिटेशन. हमारा फोर्थ मेडिटेशन है वॉकिंग मेडिटेशन. Walking meditation. Yes, once you have completed your day, successful day, now you need to talk for some time. You need to talk with yourself. You need to give few minutes to yourself. और ये हो सकता है walking से. आप घर से बाहर निकले या घर के आंगन में, लेकिन walking वो नहीं होता है, आप झुंड बन के बाहर निकलो, group में बाहर निकलो, अपने सहेलियों के साथ बाहर निकलो, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलो, वो वॉकिंग नहीं होता है. वॉकिंग वो है जब आप अकेले निकलते हो, अकेले वॉक कीजिए. अकेले वॉक करने से आप सेल्फ टॉकिंग करना चालू करते हैं, अकेले वॉक करने से आपका मन आपको कंपनी देना चालू करता है, आपका माइंड आपके थॉट्स लेके आने की कोशिश करता है, एंड दिस वे यू स्टार्ट गेटिंग सॉल्यूशन फॉर दी day problems, whole day problems, and this is another best way of doing meditation. It is walking meditation. Hamara aakhri meditation hai sleeping meditation or sleep meditation, nidra meditation, nidra, right? Ab ye kya hota hai sleeping meditation? Ha dosto, sleep, it is very important. Sleep is a process to give rest to your body, but we think that we are giving rest. Our unconscious mind starts working at that time. So give time to your unconscious mind. Your unconscious mind is the best for thinking process, for your thought process, right? This is what unconscious mind do. Agar hamare yogi logo ka apne dekha hoga, hamare yogi logo ka power ke bare mein suna hoga, to unka unconscious mind hai जो उन्हें बताता है, उन्हें कहता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो जो आने वाले कल के बारे में बता सकते हैं, वो जो हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ पावरफुल अनकॉन्शियस माइंड, राइट? दोस्तों, ये जो नींद वाली बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 6 से 8 घंटा सोना चाहिए. अब ये क्यों, लेट मी एक्सप्लेन, राइट? आप ये जो नींद में ड्रीम आता है ना, जो मस्त स्वीट ड्रीम आता है, ये ड्रीम का प्रोसेस समझाता हूँ मैं आपको. ये ड्रीम क्या है? अ ड्रीम इज ए मूवी मेड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड. ताजू बोल रहा है ना? यस, अ ड्रीम इज ए मूवी मेड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड. आप जरा अपने ड्रीम्स को एनालाइज करके देखें. अगर आप कुत्तों से डरते हैं, तो आपके ड्रीम में कहीं ना कहीं वो कुत्ता आ ही जाता है. आप कोई भी ड्रीम कीजिए, स्कूल जाते वक्त, ऑफिस जाने का, यहाँ वहाँ कुछ भी करते जाइए, वो कुत्ता आएगा ही. दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड.
It remembers your thoughts. It remembers your reactions. It remembers your all action from all over the life. आप अपने childhood से आज के stage तक जो भी आपके mind में processes हैं, जो thoughts हैं, वो thoughts का movie बनता है आपका dream. और ये dream को वो एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड इसीलिए बनाता है, ये ड्रीम को मूवी के रूप में इसीलिए बनाता है सो दैट आप एक सॉल्यूशन लेके आओ. देखिए आप उस मूवी में कहीं ना कहीं एक एंड, एक अच्छा एंड आता होगा. वो एंड कुछ नहीं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. उसे ध्यान से देखिए. आप अब ड्रीम को रीड करना चालू कीजिए, ड्रीम को एनालाइज करना चालू कीजिए एंड यू विल कम आउट विद अ सॉल्यूशन टू मैनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स. एंड अनदर थिंग, यू विल लर्न how to react to a situation. This is what your unconscious mind want to teach you. तो दोस्तों ये पांच टाइप के मेडिटेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब फॉलो करो, मैं अगर कहूँगा कि आप अगर ये दो टाइप के मेडिटेशन भी, तीन, दो या तीन टाइप के मेडिटेशन भी फॉलो करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, आपके लाइफ में चेंज आएगा और आप ये जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली आप हैंडल कर सकोगे. आप एड्रेनलिन के पास नहीं जाओगे और ये एड्रेनलिन आपको फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन नहीं बताएगा. आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को आराम से टैकल कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई सजेशन एंड आई एम श्योर दैट यू विल फॉलो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए सो दैट हमारा नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचे हैं. राइट, तो दोस्तों बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो.